गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव में 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। 16 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, जिसमें एक प्रत्याशी डॉक्टर विपिन बिहारी शुक्ल ने किया है, जिसका मत पत्र सरकारी प्रेस वाराणसी को छपने के लिए भेज दिया गया है। वहां से मत पत्र छपने के बाद 17 जिलों के चुनाव अधिकारी को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा, चुनाव के लिए जनपद में 321 बूथ बनाया गया है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी जिलाधिकारी के द्वारा अपने अपने जनपदों में किया जाएगा। 30 जनवरी को 321 बूथों पर मतदान होगा और सभी बॉक्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के कॉमर्स फैकल्टी में जमा किया जाएगा और 2 फरवरी को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो है 16 तारीख को जो है नाम वापसी की तिथि थी, वो समाप्त हो गई और हमारे इस चुनाव में जो है 24 उम्मीदवार हैं। अब इसके मतपत्र की जो है हम लोग ने गवर्नमेंट प्रेस को भेज चुके हैं वाराणसी को, और वहां से मतपत्र छपने के बाद जो है ये सारी सामग्री जो है 17 जनपदों के अधिकारियों के पास भेज दी जाएगी, और उसके बाद जितने भी हमारे 321 बूथ हैं वहाँ पर जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो अपने अपने जिलाधिकारी के लेवल पर किया जा रहा है, और उन पर इस पूरी सामग्री की जो पोलिंग पार्टी का जो मूवमेंट है वो भी संबंधित जो है हेडक्वार्टर से होगा 17 जनपदों के यहाँ से, और उसके बाद जो है 30 जनवरी को चुनाव होने के बाद ये ही जो है पूरे के पूरे मतपेटिका वगैरह सब सारी चीज़ इकट्ठी होकर गोरखपुर आएंगी हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो है बिल्डिंग में DDU के जो है, और 2 फरवरी को इसका मतगणना होगी। सर, किसी ने पर्चा भी वापस किया? इस समय नाम वापसी केवल डॉक्टर विपिन बिहारी शुक्ल ने की है, और बाकी 24 उम्मीदवार रहे हैं चुनाव में।